एनकेपी स्पोर्ट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा शुरुआत में तो धीमे, फिर अचानक से रौद्र रूप धारण करने के लिए जाने जाते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा ने 3 साल पहले आज ही के दिन श्रीलंका के खिलाफ T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया था। 22 दिसंबर 2017 को रोहित शर्मा ने इंदौर T20 मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 35 गेंदों पर शतक ठोक दिया था। अगर आप में से जिस किसी ने भी वो मैच देखा था तो कमेंट बॉक्स में हिटमैन लिख करके हमें बताइए। साथ ही रोहित शर्मा का रियल फैन है तो बिना किसी चीटिंग के आप हमें बताइए कि इस मैच में रोहित शर्मा ने कुल कितने छक्के लगाए थे। जी हाँ, इस मैच में रोहित शर्मा ने कुल कितने छक्के लगाए थे, हम आगे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन आप अभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि रोहित शर्मा ने कुल कितने छक्के लगाए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 29 अक्टूबर 2017 को साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी, लेकिन उसके 2 महीने बाद ही रोहित शर्मा ने उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। रोहित के पास उस रिकॉर्ड को तोड़ने का शानदार मौका था, लेकिन एक गेंद मिस होने की वजह से रोहित वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, लेकिन रिकॉर्ड की बराबरी तो जरूर कर ली थी। दोस्तों, आपको एक और फैक्ट बताते हैं, इस मैच में रोहित शर्मा ने अपने शतक का 91% रन केवल बाउंड्रीज से बनाए थे। इस मैच में रोहित शर्मा ने श्रीलंका के गेंदबाजी की जमकर धुनाई की थी और 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया था। इस मैच में रोहित शर्मा ने 43 गेंदों में 118 रनों की पारी खेली थी। एक समय तो सभी क्रिकेट फैंस को लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में दोहरा शतक ना लगा दे, क्योंकि रोहित शर्मा जब आउट हुए उस समय भी भारतीय पारी के लगभग 6 ओवर बचे हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था कि रोहित शर्मा ने इस मैच में कुल कितने छक्के लगाए, तो उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में पहले ही अपना आंसर दे दिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दोस्तों, इस मैच में रोहित शर्मा ने कुल 12 चौके लगाए थे और 10 ताबड़तोड़ गगनचुंबी छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा के बारे में एक और जानकारी आपको दे देते हैं। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं, यानी कि T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड आज भी हिटमैन रोहित शर्मा के नाम ही दर्ज है। दोस्तों, क्या रोहित शर्मा T20 में शतक लगा पाएंगे? आप कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और रोहित शर्मा की इस खास रिकॉर्ड की जानकारी उनको भी दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार खबर के साथ, तब तक देखते रहिए NKP Sports YouTube चैनल।